नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के वीडियो में दोस्तों हम करेंगे MT4 के साथ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, यानी कि हम एक अपने नए प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे एल्गो ब्रिज को, और उसके साथ हम MT4 को लिंक यानी कि मेटा ट्रेडर 4 को लिंक करेंगे, और अलग अलग MT4 के इंडिकेटर्स से आपको ट्रेडिंग करके दिखाएंगे, जैसे कि सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है एल्गो ब्रिज, इसमें आप कई सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो। जैसे कि आप अगर अपना मैनुअल ट्रेडिंग करना चाहते हो और एल्गो भी साथ के साथ करना चाहते हो, तो ये दोनों प्रोसेस आप हमारी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं और आप कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हो, एक ही ट्रेड को बाकी के सारे अकाउंट्स में भी भेजना चाहते हो, तो वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कर सकते हो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और टेक्निकल भी, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और बहुत ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएँ। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई क्वेरी या कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। वीडियो को चलिए अब शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं करूँगा रिक्वेस्ट अपने व्यूअर्स से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक और कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और भी ज़्यादा अच्छे और प्रभावी वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है www.algobridge.in, ठीक है। आपको algobridge.in पे जाना है। जैसे आप algobridge.in पे जाके एंटर मारेंगे, तो आपको एक लॉगिन पेज दिखेगा, वो इस तरीके का, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट खोला हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना है। यहाँ पर आपकी डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे दो अलग अलग तरीके के अकाउंट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपका अकाउंट यूज़र अकाउंट होता है, लेकिन बाद में आप चाहें तो उसको अपग्रेड करके मास्टर अकाउंट कर सकते हैं। मास्टर अकाउंट में आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर देखेंगे आप, अगर आप ऑथेंटिकेशन के टैब में आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, जब आप सबसे पहले आते हैं तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। उसके बाद आपको जाना होता है ऑथेंटिकेशन में। तो ऑथेंटिकेशन में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर राइट साइड में बिकम अ मास्टर का बटन दिखेगा। बिकम अ मास्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो यूज़र स्टेटस है वो चेंज होकर मास्टर हो जाता है, और फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग, जो मैंने आपको बताया था कॉपी ट्रेडिंग का फंक्शन, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ अपने ट्रेड बुक कॉपी करा सकते हैं, और बहुत सारे फीचर्स आपको उसके साथ प्रीलोडेड मिलते हैं। मास्टर बनने के लिए आपको 2000 रुपीज़ का वन टाइम चार्ज देना होता है, और ये लाइफ टाइम के लिए होता है। हर बार आपको पेमेंट नहीं करना होता। आपको जो पेमेंट करना होता है वो अपने यूज़र्स के लिए करना होता है। उस पर मैं आपको आगे एक वीडियो बना के बताऊँगा। फिलहाल हम लोग फायर से ट्रेडिंग करेंगे। तो फायर्स के लिए आपको फायर्स का ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए और ऐप आईडी और सीक्रेट चाहिए। तो ऐप आईडी और सीक्रेट लेने के लिए आपको जाना होता है फायर्स के API डैशबोर्ड पे। तो आप अगर यहाँ पर लिखेंगे ना फायर्स API डैशबोर्ड, तो आपको इसकी वेबसाइट्स दिख जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग आप देखोगे, सबसे ऊपर आ रहा है myapi.fires.in। यहाँ पर आपको आके लॉगिन करना है। इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी, उसमें आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा डैशबोर्ड का। यहाँ पर आप देख सकेंगे डैशबोर्ड का बटन। तो डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी क्लाइंट आईडी मांगेगा। यहाँ पर आप अपनी क्लाइंट आईडी पेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ क्लाइंट आईडी के साथ साथ आप अगर चाहें तो मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक OTP आएगा। यहाँ पर एक OTP डालने के बाद आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है पिन, जो कि आप ऐप में यूज़ किया होगा। जैसे मैं अपना पिन डाल रहा हूँ यहाँ पे। पिन डालने के बाद इस तरीके से API का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो इस डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, क्रिएट ऐप पे जाना है। यहाँ पे क्रिएट ऐप लिखा है ना, क्रिएट ऐप पे जाना है। यहाँ पे ऐप नेम डालना है और रिडायरेक्ट URL डालना है। रिडायरेक्ट URL में आपको बता दूँ दोस्तों, आपको ये तो दोस्तों ये है आपका रिडायरेक्ट URL, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये रिडायरेक्ट URL आपको डालना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं api.algobridge.in/broker/fire/auth, ये आपको लिखना है। जैसे आप क्रिएट ऐप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप का नाम लिखना है, जैसे जो भी एल्गो ब्रिज या वगैरह, और यहाँ पर ये रिडायरेक्ट URL पेस्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट ऐप कर देना, आई एक्सेप्ट करके क्रिएट ऐप कर देना।
तो जब आप ऐप क्रिएट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ क्रेडेंशियल्स मिलती हैं। नीचे आप आएंगे तो ऐप आईडी और सीक्रेट आपको दिख रहा होगा। तो ये ऐप आईडी और सीक्रेट जो है ये हमें अपनी एप्लीकेशन में पेस्ट करना है। यहाँ पर ऐप आईडी डालनी है और यहाँ पर सीक्रेट डालना है। डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट के बाद जनरेट पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट करोगे तो ये रिडायरेक्ट होकर वापस से इसी पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर वापस आने का मतलब होता है कि हमको टोकन सक्सेसफुली मिल गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टोकन का टाइम भी आ रहा है, 3 बजे का, शाम के 3 बज रहे हैं अभी। 3 बजे हमें टोकन मिला है। वैलिडेट पे क्लिक करके देख सकते हैं टोकन वैलिड है या नहीं है। तो जो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया था ये था ब्रोकर लिंकिंग का, किस तरीके से आप अपने ब्रोकर को लिंक कर सकते हो। अलग अलग ब्रोकर्स का लिंकिंग प्रोसेस अलग अलग है। फायर्स के लिए हमें इनके डैशबोर्ड पे जाना होता है, API.Fires वाले पे, MyAPI.Fires पे, और वहाँ पे से क्रिएट करना होता है। अब ये पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड प्रोसेस है हमारा कि हमें MT4 से ट्रेड करना है। तो MT4 से ट्रेड करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे अपने सेटिंग के टैब में, और सेटिंग के नीचे आपको दिखेगा फ्रीबीज। फ्रीबीज पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पर अलग अलग इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी इंडिकेटर आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके थ्रू ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ MT4। ये है मेटा ट्रेडर 4 का सॉफ्टवेयर। मेटा ट्रेडर 4 की अगर आपको जानकारी नहीं है और आप चाहते हैं हमें इंस्टॉल कराना, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। हम MT4 भी इंस्टॉल करके दे देंगे और सारी सेटिंग भी आपको करके दे देंगे। आपको ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में दिखा रहा था, तो मैं आपको दो तरीके से ट्रेडिंग दिखाऊंगा। एक तो मैं बटन ट्रेडिंग आपको दिखाऊंगा कि आप चार्ट से बटन दबा के बाय का कैसे आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बाय चला जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी। तो सबसे पहले हम बटन ट्रेडिंग देखते हैं, जिसमें कि देखो आप, मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और मैं यहाँ पर अपना इंडिकेटर को अप्लाई कर रहा हूँ। ये इंडिकेटर को मैंने अप्लाई किया, ये एल्गो ब्रिज का इंडिकेटर है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है एपीआई ट्रेडिंग ऑन ऑफ, यानी कि आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है कि नहीं। अगर करनी है तो ट्रू करेंगे। उसके बाद आता है यूज़र की। यूज़र की आपको दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में मिलेगी। यहाँ पर यूज़र की है, यूज़र की को हमें कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग सी एक बात बताता हूँ। अगर आप MT4 से ट्रेड करते हैं और आप कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको यूज़र की जगह मास्टर की पे कॉपी करनी है। मास्टर की कॉपी करने से क्या होगा कि जितने भी आपके यूज़र्स हैं जो आपने क्रिएट करे हुए हैं, उन सबका ट्रेड अपने आप चला जाएगा। फिलहाल मैं सिंगल अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो यूज़र की को कॉपी कर रहा हूँ। यूज़र की कॉपी करके हमें यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर सारी बेसिक डिटेल्स हैं कि क्वांटिटी आपको इंडिकेटर से लेनी है या डिफ़ॉल्ट जो आपके प्लेटफॉर्म पे है वहाँ से लेनी है। उसके बाद ट्रेड नॉर्मल करना है या MIS करना है या CNC करना है, जैसे मान लीजिए MIS करना है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप आपको मार्केट रखना है, लिमिट रखना है, कौन सा रखना है वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिमिट रखेंगे तो लिमिट का प्राइस डालना है। और यहाँ पर नॉर्मल ट्रेड टाइप कैसा नॉर्मल है, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है या नॉर्मल फ्यूचर का ट्रेडिंग। मान लीजिए आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन में भी आपको ATM करना है, OTM करना है, ITM करना है, ये ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल। उसके बाद अगर ITM OTM करना है तो आप गैप डालेंगे। टारगेट स्टॉप लॉस अगर आपको चाहिए तो आप इसको एनेबल कर सकते हो और उसके बाद टारगेट स्टॉप लॉस डाल सकते हो। तो ट्रेड जो आप लेंगे उसका टारगेट स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और उतने पॉइंट्स ऊपर या नीचे जाने पर आपका ट्रेड कट जाएगा या लग जाएगा। अब ये अप्लाई कर दिया, आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक स्क्रीन दिख रही है जिसमें हमें बटन ट्रेडिंग सिस्टम लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी है 50। ठीक है, यहाँ का भी काम हमारा ख़त्म हो गया। अभी हमें फाइनल काम करना है सिंबल क्रिएट करने का। तो सिंबल क्रिएट हमें यहाँ पर जाके सेटिंग के सेक्शन में आपको यहाँ पर सिंबल क्रिएट करना है ऑप्शन के लिए। जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे आप बैंक निफ्टी ऑप्शन से बैंक निफ्टी का सिलेक्ट है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन ब्रिज को करना है ऑन और उसके बाद निफ्टी का सिंबल क्रिएट करना है। यहाँ पर निफ्टी लिखेंगे हम डेट में, हमें अगर अभी हम मंथली एक्सपायरी के में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें डेट नहीं डालना। चाहे कोई भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, हमारे इस वाले प्लेटफॉर्म पे आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं है मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको डालनी पड़ेगी, जो भी वीक का आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो। मंथली के लिए आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें आपको जनवरी डालना है यहाँ पर और ईयर डालना है 23। क्वान्टिटी में हमें 50 डालना है। उसके बाद इसको हमें ऐड कर देना है। अभी हमने ऐड कर दिया सिंबल, यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब हम ट्रेड प्लेस करेंगे तो हमारे MT4 से ऑटोमेटिकली ट्रेड जाएगा। देखिए, अभी मैं यहाँ पे बाय का बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे बाय का बटन प्रेस किया मैंने, इसने यहाँ पे दिखा दिया ये इन्फॉर्मेशन ट्रेड के बारे में। और अब हम अगर अपने प्लेटफॉर्म पर जाके देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रिज ट्रेड हिस्ट्री में जा रहा हूँ मैं। ब्रिज ट्रेड हिस्ट्री में सारी आपको MT4 की ट्रेड्स दिखेंगी या ट्रेडिंग व्यू की ट्रेड्स दिखेंगी। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये मेरा अकाउंट आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, बैंक निफ्टी आ रहा है, ये निफ्टी आ रहा है, बाय का ट्रेड आ रहा है और 50 क्वांटिटी आ रहा है, MT4 ब्रिज आ रहा है, एंट्री आ रहा है और ये सक्सेस ट्रेड है। यहाँ पे क्यों, यहाँ पर हमारे को ऑर्डर आईडी मिला है। हालांकि ये ट्रेड हमारा रिजेक्ट हुआ है। किस
फंड जितना हमने डाला है उससे कम फंड हमारे पास अवेलेबल है, वो हम यहाँ पर ट्रेडिंग में अपने ऑर्डर बुक में जाके देख सकते हैं। जैसे आप ऑर्डर बुक में जाओगे तो आपको दिखेगा कि 24 जनवरी को ये 3 बजे आपका ट्रेड लगा है, जो कि इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में लगा है, निफ्टी 23 जैन 18,150 कॉल इंट्राडे, और यहाँ पर आपका क्वांटिटी 50 रिजेक्ट हो गया। रीज़न ये बता रहा है कि इनसफिशियंट फंड है आपके अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि ट्रेड सक्सेसफुली गया है एक्सचेंज में और एक्सचेंज ने हमें ऑर्डर आईडी दिया है, इसलिए यहाँ पर आपको ब्रिज हिस्ट्री में ये सक्सेस दिख रहा है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब जैसे कि ये ट्रेड हमारा रिजेक्ट हुआ है या ये ट्रेड हमारा लगा नहीं है, तो अगला ट्रेड जो अब हम मान लो इसका टारगेट या स्टॉप लॉस का ट्रेड भेजेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ये बाय भेजा, मैं इसको क्लोज बाय भेजता हूँ, अभी बाय तो हमारा हुआ ही नहीं क्योंकि फंड अवेलेबल नहीं था, तो क्लोज बाय का ट्रेड काम नहीं करेगा, वो जाएगा नहीं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाएगा। जैसे अब यहाँ पे जाएंगे आप प्लेटफॉर्म पे, आपको ये दिखाएगा कि फेल्ड हो गया और उसका रीज़न भी दिखाएगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको फेल्ड दिखा रहा है, फेल्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीज़न दिखा रहा है, एंट्री ऑर्डर स्टेटस इज रिजेक्टेड सो कैनॉट प्लेस एग्जिट इवेंट। सो यहाँ पर आपको ये भी फायदा है कि मान लीजिए आपका कोई ट्रेड ऐसा है जो एक्सचेंज में गया ही नहीं है, उसका अगर स्टॉप लॉस से टारगेट आता है तो वो ट्रेड आपका एक्सचेंज में जाएगा नहीं, तो वो आपको उस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये तो था मैंने आपको दिखाया मैनुअल ट्रेडिंग, अब हम बटन से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। बटन से ट्रेडिंग करने के लिए क्या है, एक तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, कि जब आप इंडिकेटर क्रिएट करते हैं ना, तो यूज़र की इंस्ट्रूमेंट की जो जितनी भी सेटिंग है, अगर इनको आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे जाके सेव कर सकते हो। जैसे मैंने एल्गो ब्रिज के नाम से इसको सेव कर दिया, अब अगर मुझे अगला इंडिकेटर लगाना है ना, तो मुझे ये सब चीज़ें बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन टाइम में ही मेरा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड नॉर्मल पे आ जाते हैं हम,